हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस व्लॉग में। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं मेला देखने, जो कि मानेसर के पास एक गांव है कासन, वहां पे लगता है। तो गाइस चलिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस हमारे साथ, दिखाते हैं आपको पूरे मेले का व्यूज़। चलिए तो गाइस, सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए, फुल एंजॉय करेंगे, सभी कह रहे हैं। तो चलिए गाइस हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। साढ़े पाँच बज गए हैं गाइस शाम के, और हल्की हल्की धूप आई हुई है। अभी हम KMP के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये एक कच्चा रास्ता है। हमारे दोनों तरफ खेत हैं और बीच में से एक रास्ता दिया हुआ है, कच्चा रास्ता है, जो सीधा गांव कासन में जाता है। तो चलिए गाइस हमारे साथ। तो गाइज़ अभी हम पहुंच गए हैं गांव कासन। तो चलते हैं अभी मेले की तरफ और दिखाते हैं आपको पूरा मेले का व्यूज़। तो गाइज़ अभी बज चुके हैं 6 और शाम के, और मेले में काफ़ी भीड़ है। तो चलिए गाइज़ पहले हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपके पूरा व्यूज़ मेले का। तो चलिए गाइज़ हमारे साथ व्लॉग को पूरा देखें। ये देखिए गाइज़, यहाँ पे गणेश जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो चलिए गाइज़ बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको पूरा व्यूज़ मेले का। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ मेले में आते हैं तो गाइस बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, उनका ध्यान रखें, और अपने जेब में अगर पर्स है तो उसको संभाल के रखें। कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ ना लेके पहन के जाएं, जैसे चैन, चूड़ी, कोई भी गोल्ड की चीज़ें जो महंगी है वो ना पहन के जाएं, क्योंकि चोरी होने का खतरा बना रहता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं गाइज मंदिर के मेन द्वार पर और चलते हैं आगे। तो गाइज अभी हम यहां से प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेने के बाद फिर हम आगे मंदिर में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा व्यूज़। पहले हम प्रसाद ले लेते हैं यहां से, चलिए हमारे साथ। तो गाइज़ हमने प्रसाद ले लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में, और ये हमारे साथ मंजू, कबीर और निधि भी है, और ये देखो जीतू जा रहा है अपनी बेटी को लेके नायसा को लाइन में। तो चलिए दिखाते हैं आपको, कराते हैं बाबा बिशा के दर्शन। तो देखिए गाइज़ मंदिर की दोनों तरफ काफ़ी डेकोरेटिव लाइट लगाई हुई है, जो बड़ी अच्छी लग रही है। पूरे मंदिर को बड़ा डेकोरेट किया हुआ है,
कलरफुल लाइट से। ये देखो मंजू आ रही है पीछे हमारे, और ये जीतू जा रहा है। तो चलिए गाइस कराते हैं आपको बाबा बिशा के दर्शन। तो बोलिए गाइस हमारे साथ, बोलो बाबा बिशा की जय। तो गाइस काफ़ी लाइन लगी हुई है, तो चलिए अभी हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में। ये देखिए, और कराते हैं आपको बाबा बिशा के दर्शन। तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग के साथ। तो गाइज अभी हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको बाहर का व्यूज़। तो देखिए गाइस मंदिर के मंदिर के ऊपर से बाहर का व्यूज़ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए मारुति कंपनी है, जहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और ये देखिए झूले लाइट से जगमग हो रहे हैं, और शाम का टाइम हो चुका है। और ये देखिए गाइस, ये पूरा मानेसर गांव है, कंपनियां हैं काफ़ी यहाँ पे, मानेसर कंपनियां IMT जिसको बोलते हैं हम। ये देखिए गाइस, ये पूरी कंपनी एरिया है। और ये मैं और मंजू, और ये जीतू खड़ा है। तो गाइस बोलिए बाबा बिशा की जय। तो चलिए गाइस अभी दिखाते हैं आपको आगे का व्यूज़। तो गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पे बाबा के भंडारे में। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे सभी भक्तजन यहाँ पे बाबा का भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए गाइस हम भी देखते हैं कि हमारा नंबर आता है नहीं आता है। तो चलिए गाइस हमारे साथ। देखिए हमारे दोनों तरफ भक्तजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और तो चलिए गाइस हम यहाँ से पहले आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें कहाँ से यहाँ पे प्लेटें मिलेगी। तो पहले हम प्लेट ढूंढते हैं कहाँ पे प्लेटें। यहाँ पे लिखा हुआ है भंडारा प्रसाद, तो ये गाइस प्लेट रखी हुई है, तो हमें यहाँ से प्लेट ले लेते हैं। और प्लेट लेने के बाद थोड़ा इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, कि जैसा कि आपको पता है गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ में प्लेटों को ऐसे ही साफ़ किया जाता है। तो प्लीज़ आप अपने बर्तनों को दोबारा से अच्छे पानी से साफ़ कर लें। तो हमने अपने प्लेटें साफ़ कर ली हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लाइन में लगते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो चलते हैं आगे। तो गाइज हमने बाबा का प्रसाद ग्रहण कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं मेले की तरफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मेले का व्यूज़। बने रहिए इस मेरे व्लॉग के साथ।
तो गाइज़ हम चले थे घर से शाम को 5:30 बजे और अभी हमें यहाँ पे बज गए हैं 7:30 और रात हो चुकी है। तो ये देखिए गाइज़ रात के टाइम लाइटिंग कितनी अच्छी लगती है मेले में। और जहाँ तक आप देखोगे ये देखिए गाइज़ मंदिर पे कितनी अच्छी लाइटिंग डेकोरेशन की हुई है। और जैसे जैसे रात हो रही है गाइज़ भीड़ भी उतनी कम होती जा रही है। जब हम आए थे तो काफ़ी भीड़ थी मेले में। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मेले का व्यूज़, बने रहिए हमारे इस व्लॉग के साथ। तो ये देखिए गाइज़ मंदिर का मेन द्वार कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग से। जब हम आए थे तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग मतलब ऑन नहीं थी, तो अभी देखिए गाइज़ कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए काफ़ी भीड़ कम हो चुकी है रास्ते में। और अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेले का पूरा व्यूज़। तो अभी हम प्रसाद हमने चढ़ा दिया है और भंडारा हमने खा लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे मेले की तरफ। तो सारा मेला नीचे भर रहा है, तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा मेले का। और ये सर वाले सर तो गाइज़ ये अभी हम पहुंच गए हैं बच्चों को लेके झूले में, जहाँ पे निधि कबीर और नायसा झूले में झूल रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज़ यहाँ पे लाइटिंग डेकोरेशन जो झूले पे लगाई हुई है। तो गाइज़ कबीर झूले पे से उतर गया है, वो रोने लग गया था, उसको डर लगने लग गया था झूले से। तो हमने भैया को बोल के झूले को रुकवा के उसको उतार दिया है। ये देखिए गाइज कबीर ने और निधि ने ये क्या लाइटिंग सीन लिए है यहाँ से मेले में से। और ये देखिए बाहर से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है गाइज मेले का। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे नायसा कबीर और निधि के सर पे तीनों पे लाइटिंग सीन लगा दिए। तो देखिए गाइज ये कैसे दिखाए लग रहे हैं दोनों तीनों। तो गाइज वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। तो इसी के साथ गाइस जय हिंद जय भारत।